हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। WRM वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, WRM वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर 5, जो सब्जेक्ट है इरीगेशन इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ही हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क। डाइवर्जन नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं दोस्तों? पहला होता है वियर, दूसरा होता है बैरेज, तीसरा है डिवाइड वॉल, चौथा है फिश लेडर, पांचवा है सोर्स स्कोरिंग एंड द स्लोइस अंडर स्लोइस, कैनाल हेड रेगुलेटर, सिल्ट एक्सक्लूडर एंड द सिल्ट एग्जेक्टर और सिल्ट एक्सट्रैक्टर। तो वियर क्या होता है दोस्तों? तो वियर एक ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रिवर के ऊपर और रिवर के 90 डिग्री पे बनाते हैं, और वो पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। और यदि पानी का लेवल जो है हाई फ्लड लेवल से भर जाता है तो उसके ऊपर से पानी जो है वो फ्लो करने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वियर। बैरेज एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग वाटर को स्टोर तो करते हैं, बट उसके अंदर हम लोग गेट बना के वाटर को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में और डिटेल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन नेटवर्क का। तो ये देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ से रिवर आ रही है, तो जिस तरीके ऊपर से रिवर आती है उसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम साइड, और जिधर रिवर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम साइड। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको वियर दिखाई दे रहा है, वियर के बाद दूसरा है डिवाइड वॉल, उसके बाद दोस्तों ये है फिश लेडर, उसके बाद स्कोरिंग स्लोइसेस है, एंड हेड वाटर रेगुलेशन कैनाल है, मार्जिनल बर्न्स है, गाइड बैंक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अप्रोच चैनल है, ये जो है एक कंपोनेंट डायग्राम है डाइवर्जन नेटवर्क का। वियर क्या होता है दोस्तों, ये स्लाइड में हम लोग जानेंगे। तो वियर इज़ ए सॉलिड कंस्ट्रक्शन पुट अक्रॉस द रिवर टू रेज द वाटर लेवल इन वाटर रिवर एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल। वियर एक जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जो आरसीसी और कंक्रीट से बना होता है, आरसीसी से बनता है, और वो रिवर के परपेंडिकुलर बनाते हैं, जिसका मेन पर्पस है टू रेज द वाटर लेवल, पानी के लेवल को बढ़ाना, एंड डाइवर्ट दैम इन टू द कैनाल। उसके बाद फिर वो कैनाल के अंदर क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। द वियर मे बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स, वर्टिकल ड्रॉप वियर, रॉक फिल वियर एंड द कॉन्क्रीट विद द स्लोपिंग ग्लेसिस। तो ये तीन प्रकार का वियर होता है। बैरेज क्या होता है दोस्तों? द बैरेज, द फंक्शन ऑफ बैरेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वियर। वियर के जैसा इसका फंक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग डैम बनाते हैं और डैम के थ्रू पानी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। हीटिंग अप ऑफ द वाटर इज अफेक्टेड बाय द गेट एलोन। तो इसके अंदर दोस्तों एक गेट बनाते हैं, गेट के थ्रू हम लोग वाटर को कंट्रोल करते हैं। डिवाइड वॉल क्या होता है? डिवाइड वॉल और ए डिवाइड ग्रॉइनी इज अ लॉन्ग मैसोनरी और कॉन्क्रीट वॉल प्रोटेक्टेड ऑन ऑल द साइड बाई स्टोन और कॉन्क्रीट ब्लॉक कंस्ट्रक्टेड एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर टू सेपरेट अंडर स्लोइस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वियर। वियर को अंडर स्लोइस से सेपरेट करने के लिए दोस्तों जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड वॉल, और वो उसके पास में फिश लेडर भी होता है। तो डिवाइड वॉल जो है वो अंडर स्लोइस और फिश लेडर इनको सेपरेट करने का काम करती है, अंडर स्लोइस और वियर को सेपरेट करने का काम करती है डिवाइड वॉल। फिश लेडर क्या होता है दोस्तों? तो इन बिग रिवर माइग्रेटिंग फिश मूव फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम इन सर्च ऑफ रिलेटिवली वार्म वाटर इन बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। बिफोर द मॉनसून सीजन दे ट्रैवल अपस्ट्रीम इन सर्च ऑफ द क्लियर वाटर। तो पानी की खोज में, खाने की खोज में, फूड की खोज में जो रिवर में अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ और डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ फिश जो है वो ट्रैवल कर सके, इसके लिए हम लोग दोस्तों फिश लैडर बनाते हैं। ये दिख पा रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिश लैडर। इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल टू मेक द प्रोविजन ऑफ सम स्पेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वियर फॉर अनइंटरप्टेड मूवमेंट ऑफ सच माइग्रेटिंग फिशेज। फिशों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, इसीलिए हम लोग अपने डाइवर्जन नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन में हम लोग फिश लेडर बनाते हैं। दस टू एनेबल द फिश टू माइग्रेट फिश लेडर इज टू बी प्रोवाइडेड।
नेक्स्ट की स्लाइड में हम लोग दोस्तों बात करते हैं स्कोरिंग स्लुइस और अंडर स्लुइस। स्कोरिंग स्लुइस और अंडर स्लुइस का मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? द स्कोरिंग स्लुइस आर ओपनिंग प्रोवाइडेड इन वियर वॉल विद टीयर क्रीस्ट एट ए लो। जो स्कोरिंग स्लुइस है वो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वियर वॉल में ही होता है और इसका जो क्रीस्ट लेवल होता है वो लो होता है। दीज ओपनिंग आर फुल्ली कंट्रोल बाई गेट। ये पूरी पूरी जो है वो गेट के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। देयर इज़ ए डिवाइड वॉल बिटवीन द वियर वॉल एंड द अंडर स्लुइस। वियर वॉल और अंडर स्लुइस के बीच में एक डिवाइड वॉल होती है टू सेपरेट द टू पोर्शन एंड अवॉइड द क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो को अवॉइड करने के लिए दोनों के बीच में एक डिवाइड वॉल हम लोग बनाते हैं। कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर का मेन पर्पस क्या है? कैनाल हेड रेगुलेटर इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट ए हीड अप ऑफ द कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ ए वियर और वेरेज। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द स्पान। द स्पान ऑफ 6 to 8 meters आर कंटिन्यूसली यूज विद द काउंटर बैलेंस स्टील गेट विच आर ऑपरेटेड मैनुअली बाई द विंचेस। तो 6 to 8 meters का स्पान होता है और स्पान में हमारे नंबर ऑफ गेट प्रोवाइड किए गए रहते हैं जो हम लोग वाटर के अंदर कितने कैपेसिटी पानी की सप्लाई करना है, कैनाल के अंदर कितना वाटर को कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कैनाल हेड रेगुलेटर जो है वो यूज़फुल होता है दोस्तों। दोस्तों यदि किसी प्रकार का आपको डाउट आ रहा हो वीडियो देखने में तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो कि कोई भी यदि आपको नई कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको किसी भी प्रकार का नया टॉपिक आपको सीखना है तो भी आप उसके लिए मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे कि मैं आपको आपके लिए कुछ नया वीडियो भी लेके आऊँगा और ये सीरीज जैसे चल रहा है क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लेके आएंगे तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। तो सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है? सिल्ट एक्सक्लूडर इज़ ए डिवाइस बाय विच सिल्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वाटर एंटरिंग द कैनाल। कैनाल के अंदर पानी के थ्रू जो सिल्ट एंटर हुई रहती हैं उसको रिमूव करने के लिए या फिर सिल्ट एंट्री ही ना करे उसको रोकने के लिए हम लोग सिल्ट एक्सक्लूडर लगाते हैं। इट कंस्ट्रक्टेड इन बेड इन फ्रंट ऑफ द हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर के सामने बेड लेवल पे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सिल्ट इजेक्टर और सिल्ट एक्सट्रैक्टर। सिल्ट इजेक्टर आर दोज सिल्ट कंट्रोल डिवाइस विच रिमूव द सिल्ट विच आर ऑलरेडी एंटर द कैनाल फ्रॉम द हेड। कैनाल के अंदर जो सिल्ट एंट्री कर चुकी हैं उस सिल्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग दोस्तों सिल्ट इजेक्टर का यूज़ करते हैं। दे आर लोकेटेड इन ए कैनाल अ लिटिल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द हेड ऑफ द कैनाल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर मुझे आंसर दीजिए। आपका रिस्पांस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यदि रिस्पांस दोगे तो उस प्रकार से वीडियो जो है वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने।